कांग्रेस पार्टी और सरकार जो इसका खंडन करती है। कारण क्या कि जैसे ही ये घटना हुई, बहुत दुखद घटना थी, जिस तरह से जो घटना हुई विद इन 24 आवर्स जितने भी कल्प्रेट्स थे, जितने भी वो थे, उनको अरेस्ट कर दिया गया और सलाखों के पीछे दिया, और जिसमें इसमें जितने भी कंसर्न लोग थे सभी को अरेस्ट कर दिया गया। मुझे समझ ये नहीं आ रहा कि जो इनका प्रदर्शन है, धरना प्रदर्शन, किस बात को लेकर है। धरना प्रदर्शन अगर होता कि अगर आपने जो क्रिमिनल्स थे उन्हें अरेस्ट ना किया होता तो मानता कि आपका धरना उचित था। लेकिन आप 24 आवर्स के अंदर, आपके पहुंचने से पहले, जब तक आप पहुंचे, जब तक आपने उसको पॉलिटिसाइज करना था, उससे पहले सारे के सारे जो आरोपी थे वो बिहाइंड द कर्टन थे। लेकिन आप जो बावजूद उसके कि आपको सरकार का पक्ष देना चाहिए थे, आप उसको पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, उसको आप कहीं ना कहीं उसको दूसरा रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 2024 में आपके इलेक्शन आने हैं, तो उसको लेकर आप ना कहीं ना कहीं अपनी ज़मीन तराशे, क्योंकि आपके मुद्दे कोई नहीं है, तो इसको बिना मुद्दे को मुद्दा बनाना चाह रहे हो हिमाचल प्रदेश के अंदर, क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक बहुत ही, जिसको कहते हैं, शांत प्रदेश है, देवभूमि के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ ना कहीं आप उस चीज़ को खराब करने जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जब प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर थे, कुल्लू में एक हादसा हुआ था, परशुराम और उनकी धर्मपत्नी पे अटैक हुआ था, और जब आप मुख्यमंत्री थे तो आपने कितने दिनों में कार्रवाई की, जब पूरी इलाके की जनता, पूरी वैली की, जो पूरे कुल्लू ज़िला के लोग जब इकट्ठे हुए और धरना दिया और आपको अल्टीमेटम दिया, क्योंकि आपका दौरा निश्चित था यहाँ पे कुल्लू का, कि आप अगर 24 घंटे के अंदर आरोपियों को अरेस्ट नहीं करेंगे तो आपका घेराव किया जाएगा, उसके बावजूद आपने उन लोगों को, आरोपियों को अरेस्ट किया। कारण क्या था कि वो जो आरोपी थे, कुछ आरोपी थे, उनकी इनडायरेक्टली और डायरेक्टली लिंक आपके सीएम ऑफिस में था, जब आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते हैं जयराम ठाकुर जी, इसीलिए आपने उसे लिंक अराउंड किया। और 25 अगस्त 2021 को एक घटना घटी है, उसके बाद आप तकरीबन 1.5-2 साल तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, आपने CBI जाँच क्यों नहीं करवाई। हमारे आज के प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखेंद्र सिंह कह रहे हैं कि हम हर चीज़ जाँच के लिए कराने के तैयार हैं, आप जो भी बोलेंगे, SIT गठित कर दी है, आप CBI जांच करते हैं, हम CBI जांच करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप जब खुद थे, आपने जांच क्यों नहीं कराई, आपने जो पूरे उसके वीडियो भी सामने आया, CCTV कैमरे फुटेज भी सामने आया कि किस तरह से उस शख्स की, उस दंपति की, और खासतौर पर उनके हस्बैंड की डेथ कीजिए, और आज भी जो उनकी महिला है, जो वाइफ है, वो बेड रिडन है, तब आपने CBI जाँच क्यों नहीं कराई, क्या कारण था। कारण यह था क्योंकि आपके कहीं ना कहीं आपके मुख्यमंत्री कार्यालय से कुछ लोग उसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थे। हम तो आज भी चाहेंगे कि उनकी भी जांच कराई जाए, उनकी भी CBI जांच होनी चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि हम तो उनकी CBI जांच कराएंगे जो चम्मा घटना घटी है, लेकिन जो कुल्लू में घटना घटी थी उसकी CBI जांच भी जयराम ठाकुर जी आपको करवानी चाहिए।